हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं सुसाइड स्क्वाड के सिक्स्थ पार्ट में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं गॉथम सिटी में, और यहाँ हम देखते हैं कि टीम एक डॉक्टर के पास पहुँची है जो कि उनके अंदर लगे हुए बॉम्ब्स को निकाल रही है। वो डॉक्टर सारे बॉम्ब निकाल देती है, तभी उसको एक मैसेज आता है और वो बाहर चली जाती है। तो चार्ल्स किटन कहती है कि ऐसा भी क्या मैसेज आ गया कि एक सर्जरी छोड़ के बीच में डॉक्टर चली गई, पक्का कुछ जरूरी काम ही होगा। और यहाँ पे बाकी की टीम भी है जो कि क्विन से पूछती है कि तुम्हें यह डॉक्टर का कैसे पता चला। तो वो कहती है कि यह डॉक्टर भी आर्कम की एक पेशेंट थी। तो बाकी सब पूछते हैं कि इसको खुद से छोड़ा गया था, ये वहाँ से भाग गई। तो वो कहती है मुझे याद नहीं आ रहा कि ये वही डॉक्टर है जिसको छोड़ा गया था या जिसने एक चम्मच से तीन गार्ड्स को मार दिया था। डेडली सिक्स कहता है मुझे तो ये जगह बिल्कुल भी हाइजीन नहीं लग रही। तो चार्ल्स कहती है हाँ ये देखो यहाँ पे तो एक कुत्ता भी है, मुझे नहीं पता कि ये मर गया है या जिंदा है। तभी वो डॉक्टर बाहर आती है और वो कहती है मुझे याद आया मेरे पास एनसेटिक का टीका भी है। तो सभी कहते हैं ये तुम्हें अभी याद आया जब तुमने हमारे सबका ऑपरेशन कर दिया। तो वो कहती है तुम लोगों को चाहिए या नहीं मुझे बताओ। तो चार्ल्स कहती है हाँ हमें चाहिए। पर थाइसलिन कहती है कि मुझे तुम्हारे दिल की धड़कन सुनाई दे रही है, मुझे लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। और फिन भी कहता है और मैं तुम्हारा माइंड पढ़ सकता हूँ, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। और चार्ल्स उसको एक मुक्का मार देती है। तो थाइसलिन चेक करती है और वो कहती है कि इसमें तो जहर था। तो वो लोग कहते हैं कि उसने हमारी मदद की तो वो हमें मारना क्यों चाहती थी। तो ओसीटा कहती है इसलिए ये देखो। वो मैसेज पढ़ती है और कहती है कि हम पे किसी ने इनाम रखा है। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं बैटमैन की केव पे। वो भी स्क्रीन पे उन पे बाउंटी रखी देखता है जो कि एक काफ़ी बड़ी अमाउंट है, और वो अपनी गाड़ी लेके निकल जाता है। तो डेडशॉट कहता है कि उसने किसको कॉल किया है। तो ओसीटा कहती है ये कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ से निकलना चाहिए ताकि हम प्लेन में बैठें और गौतम से निकल जाएं। पर तभी चार्ल्स कहती है कि हम इस कुत्ते को यहाँ पर अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, क्या हम इसे ले जाएं साथ ओसीटा। वो पहले तो नहीं मानती पर बाद में वो मान जाती है और वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे बैटमैन भी पहुँच जाता है और वो उस डॉक्टर को देखता है और वो कहता है ये तो वही डॉक्टर है जिसने गार्ड्स को मारा था, वो भी स्पून से। और वो उनकी गाड़ी के निशान को ट्रैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर स्क्वाड भी अपने प्लेन के पास पहुँच जाता है। डेडली सिक्स कहता है कि वो टास्क फोर्स एक्स की फाइलें देख रहा था कि तभी उसे एक चीज मिली। वो कहता है हार्ले एंड डेडशॉट तुम दोनों तो आजाद थे, तुमने काफी सारे मिशंस कर लिए थे, पर सॉरी उन लोगों ने तुम्हें बंदी बना के रखा था। और वो उनको प्रूफ भी दिखाता है। तभी थाइसलिन कहती है कि हमें असैसिन्स ने घेर लिया है, उनके चारों तरफ असैसिन्स होते हैं और उनमें से एक उन पे बॉम्ब के साथ हमला कर देता है। ओसीटा जेब्रा मैन को कहती है अपनी फोर्स फील्ड फोर्स का इस्तेमाल करो। वो ट्राई तो करता है और बच भी जाते हैं, पर उनकी गाड़ी पलट जाती है। जेब्रा मैन पूछता है तुम लोग ठीक हो। तो फिन कहता है हाँ हम ठीक हैं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने हमें ज्वाइन कर लिया। तो विंग कहती है कि मुझे नहीं लगता हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। और वो ओसीटा से पूछते हैं कि तुमने देखा कि कितने बंदे थे। तो वो कहती है मैंने ज़्यादा गौर से नहीं देखा पर मुझे लगता है कि 10 बंदे हो सकते हैं। वो कहते हैं कि हम इतने तो संभाल ही लेंगे। और वो कहते हैं 1, 2, 3 करने पर हम बाहर की ओर निकल जाएंगे। और वो निकल जाते हैं उन पर हमला करने के लिए, पर वो देखते हैं कि उन असैसिन्स को पहले ही किसी ने पीट दिया होता है। वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और क्विन सोच रही है कि मुझे कुछ याद आ रहा है, मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जब ऐसा हुआ था तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और वो पीछे देखती है कि उसके पीछे होता है बैटमैन। वो लोग कहते हैं कि वो तुम्हारे पीछे है। वो उस पे हमला करने के लिए जैसे ही अपनी बंदूक के पीछे करती है वो देखती है कि वो वहां नहीं होता और वो कहती है मेरे साथ बैटमैनिंग मत करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी टीम बैटमैन के साथ लड़ रही होती है और तभी विंक आती है और वो बैटमैन को पीछे से गायब कर देती है। वो बैटमैन को ऊपर ले जाती है और नीचे फेंक देती है। बैटमैन लैंड तो कर जाता है पर डेडशॉट उस पर जोरदार हमला कर देता है। तो वो कहती है तुमने बैटमैन को मार दिया। तो डेडशॉट कहता है नहीं वो मरा नहीं है, बस कुछ टाइम के लिए डाउन है। डेडशॉट कहता है तुम लोग निकल जाओ, मैं इसको संभाल लूंगा, तुम अपना प्लान पूरा करो। तो ओसीटा कहती है हम लोग इसको नहीं हरा सकते। तो डेडशॉट कहता है ओसीटा तुम्हें अपना रिवेंज लेना है, तुम यहाँ से चली जाओ, मेरा काम हो चुका है और मुझे वैसे भी माफ कर दिया गया है, तो मैं अभी यहाँ से निकलना चाहता था, तो शायद यही उसका अंत है। तो ओसीटा कहती है मुझे शुरू से पता था कि फ्लॉयड लॉटन एक अच्छा आदमी है। तो किटन यहाँ पे उसको वो कुत्ता देती है और कहती है तुम इसको रख लो, क्या पता ये तुम्हारे काम आ जाए।
जब बैटमैन तुम्हारे पे हमला करेगा तो शायद इस कुत्ते को देख के वो तुम पे हमला ना करे। वो यहाँ पे क्वीन भी डेडशॉट को कहती है कि वो उसको मिस करेगी और सभी लोग निकल जाते हैं, पर बैटमैन को यहाँ पे होश आ गया है और वो हमला कर देता है डेडशॉट पे। यहाँ पर डेडशॉट और बैटमैन के बीच में फाइट चल रही होती है और बाकी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। बैटमैन कहता है, डेडशॉट तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था मेरी सिटी में। वो कहता है, मैं आना भी नहीं चाहता था। यहाँ पर स्क्वाड अपना प्लेन लेके उड़ जाते हैं और यहाँ पर डेडशॉट और बैटमैन के बीच में जोरदार फाइट चल रही है। यहाँ पर फाइट करते हुए डेडशॉट नीचे गिर जाता है। बैटमैन उस पर जोरदार हमला करने ही वाला होता है कि तभी डेडशॉट कहता है, प्लीज स्टॉप, और वो उस कुत्ते को आगे कर देता है और बैटमैन भी रुक जाता है। बैटमैन कहता है, तुम और तुम्हारी टास्क फोर्स, तुम मेरी सिटी में क्यों आए? मुझे नहीं पता तुम और अमेंडा वॉलर क्या चाहते हो। तो डेडशॉट कहता है कि वॉलर जा चुकी है और टास्क फोर्स एक्स को किसी सरफिरे ने टेक ओवर कर लिया था और ये देखो मुझे माफ कर दिया गया है। बैटमैन कहता है, पर मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। तो डेडशॉट कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, यही लॉ है और तुम लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते। और वो कहता है कि तुम जिस स्क्वाड की बात कर रहे हो उन्होंने शायद एक वर्ल्ड वार होने से बचा लिया है। तो बैटमैन कहता है, क्या तुम अभी क्राइम करना छोड़ दोगे? तो डेडशॉट कहता है, मुझे नहीं पता। तो बैटमैन कहता है कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए, तुम्हें अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। तो डेडशॉट कहता है, अच्छा तो तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो, क्या तुम्हें अपने रॉबिन्स का नहीं पता? तुम्हारी गवर्नमेंट ने मेरे बच्चे को मेरे से छीन लिया, मैं अभी घर जा रहा हूँ। ये कहकर डेडशॉट वहाँ से चला जाता है, पर बैटमैन अभी भी उसके पीछे होता है। तो वो कहता है, क्या तुम अभी गए क्यों नहीं? अभी तक तो तुम गायब हो जाते हो। तो वो कहता है, मेरी गाड़ी कोई ले गया। तो वो कहता है कि वो शायद विंक लेके गई होगी, पर वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे क्योंकि उनको प्लेन पकड़ना था। डेडशॉट कहता है, मैं तुम्हारे लिए क्या उबर बुक कर दूँ? तो बैटमैन कहता है, वो तुम्हारे लिए एम्बुलेंस चलेगी। तो डेडशॉट कहता है, तो ठीक है मैं चलता हूँ। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।